भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक सोमवार यानी 12 अगस्त को पूर्वी राजस्थान, बिहार और असम, मेघालय में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बीती रात बेंगलुरु में बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। सुबह 4 बजे के बाद बेंगलुरु शहर में तेज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। ऐसे में अब आईएमडी ने अगले 24 घंटों में भरतपुर और जयपुर संभाग के साथ राजस्थान के कई और जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। सुनिए मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख और निर्देशक राधेश्याम शर्मा ने क्या कुछ बताया। बात करें यदि उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की, तो आज 12 अगस्त को ये सिस्टम साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश, यानी खासकर यूं कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी एमपी और एडजॉइनिंग जो ईस्टर्न राजस्थान है, इस इलाके के ऊपर अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी अपने नॉर्मल पोजिशन से गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में एक बार फिर भरतपुर जयपुर संभाग के कई इलाकों में भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। सबसे ज्यादा यदि देखें तो दौसा और करौली जिलों में कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हुई है। सबसे ज्यादा रामगढ़ दौसा में 258 mm बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा सपोत्रा करौली में भी 207 mm रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। आज राजधानी जयपुर में भी 118 mm बारिश पिछले 24 घंटों में, यानी वेरी हेवी रेनफॉल की कैटेगरी में रिपोर्ट हुई है। इसके बाद यदि देखें तो इस सिस्टम के असर से अभी भी जयपुर संभाग, कोटा संभाग और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में रुक रुक कर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश का दौर जारी है। इस दौरान अगले 24 घंटों के लिए खासकर जयपुर, इसके अलावा टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, इसके साथ साथ में जो बारां और बूंदी जिले हैं, इनमें अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इन जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन स्थानों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं वेरी हेवी और कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, यानी 200 mm से ज्यादा भी बारिश रिपोर्ट होने की संभावना है। इसके अलावा जो शेखावटी क्षेत्र के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर और आसपास के जो जिले हैं, इनमें भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना रहेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कई इलाकों में अगले 4-5 दिन दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन, इसके अलावा आकाशीय बिजली के साथ कहीं कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश रहेगी। वहीं जोधपुर संभाग की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में केवल छुटपुट बारिश हो सकती है। ज्यादातर जो जैसलमेर बाड़मेर का इलाका है, इसमें काफी यूं कह सकते हैं ज्यादातर इलाके ड्राई रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगले 5 दिनों तक पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अगले 24 घंटों के लिए कहीं कहीं रेड अलर्ट जो है वो दिया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और आसपास के जिलों में येलो अलर्ट जो है वो आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल के लिए दिया गया है। धन्यवाद।